नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। होली और रंगपंचमी के अवसर पर जनता से अपील है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं और शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े तो लाइसेंस होगा रद्द। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी ना करें और दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ना बिठाएं और हेलमेट का उपयोग करें, क्योंकि हेलमेट हमारी सेफ्टी है, ना कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहने। लोग पुलिस को देखकर भाग जाते हैं, ऐसे कई चेकिंग पॉइंट हैं। हमारी जनता से अपील है कि हम सुरक्षित हैं तो घर सुरक्षित, परिवार सुरक्षित रहे। सर भोपाल में सर होली, ये सर होली के मेले के सर उपलक्ष्य में सर ट्रैफिक के सर क्या क्या नियम हैं सर, और किस प्रकार की चेकिंग क्या कुछ की जा रही है सर? जी हाँ, होली को देखते हुए होली के दिन सुबह से इसमें चेकिंग पॉइंट लगेंगे ट्रैफिक की तरफ से भी, और जो थानों का जो चेकिंग का बल है उसके अलावा भी यातायात पुलिस की अपने चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे। उन चेकिंग पॉइंट्स विशेष रूप से बाइक में तीन तीन सवारी बैठकर जाने वाले लोगों को चेक किया जाएगा, साथ ही साथ शराब पीकर यदि वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो वो भी डिवाइस लेकर उसको भी चेक किया जाएगा। पॉइंट रहेंगे सुबह से लगातार, और जब तक होली का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न नहीं होता तब तक ये चेकिंग पॉइंट लगातार लगे रहेंगे। इसके अलावा भी आज रात्रि में भी विशेष चेकिंग अभियान रहेगा, जो थानों के जो चेकिंग पॉइंट्स लगे उनके साथ लगकर यातायात पुलिस भी चेकिंग करेगी। और इसके अलावा जो होली के अवसर पर जुलूस निकलने का है पुराने भोपाल में, उसकी भी व्यवस्था लगा ली गई है। डाइवर्सन पॉइंट्स के साथ साथ जुलूस के आगे पीछे और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सब कर ली गई हैं, किसी भी तरीके से आमजन को परेशानी ना हो यह यातायात पुलिस सुनिश्चित करेगी। सर जैसे कई लोग सर ड्रिंक करके गाड़ी चलाएंगे सर, उसके लिए सर क्या एडवाइजरी जारी करी है सर? एडवाइजरी हमने पूर्व में जारी की हुई है, पहले से लोगों से अपील की है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि शराब को अवॉइड करें। वो त्यौहार के दिन हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं, और यदि शराब का सेवन करते हैं तो प्रयास करें कि वाहन नहीं चलाएं, इससे निश्चित रूप से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और लोगों की जान को खतरा रहता है। तो मेरी आप सभी आपके चैनल के माध्यम से अपील रहेगी लोगों से कि शराब पीकर वाहन कतई न चलाएं।